देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। वहीं 2,812 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोरोना की आंधी चल रही है। हर दिन दिल्ली में हजारों केस निकल रहे हैं, तो वहीं लोगों को बेड और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह से ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच राहत भरी खबरें भी आ रही हैं। कुल 70 टन ऑक्सीजन के 4 टैंकर को लेकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रविवार रात को रायगढ़ के जिंदल इस्पात संयंत्र से रवाना हुई और सोमवार रात को दिल्ली पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग जारी है। फिरोजाबाद के जसराना ब्लॉक नगला परदमन में फर्जी वोट डालने को लेकर पोलिंग बूथ पर जमकर फायरिंग हुई। पोलिंग बूथ के अंदर पथराव, लाठी डंडे भी चले। कोरोना के बीच पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 34 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। 86 लाख से अधिक मतदाता 284 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से टैक्सपेयर्स को आ रही दिक्कतों को देखते हुए विवाद से विश्वास स्कीम के तहत टैक्स अदा करने की अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अब 30 जून तक करें पेमेंट। म्यूजिक कंपोजर श्रवण राठौर का कोरोना से निधन हो गया है। अब उनके बड़े बेटे संजीव ने बताया कि उनके पिता कुंभ मेले में गए थे और यहां से आने के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।